केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर की मुलाकात करते देश प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर गुजरात की मुलाकात आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 ऑक्टोबरे सवारे अमदावाद आवशे। अमदावाद गांधी आश्रम में गांधी जयंती निमित्ते पोतानी योजाती प्रार्थना सभा में द्रौपदी मुर्मू हाजरी आपशे, जारे 3 ऑक्टोबर राष्ट्रपति गांधीनगर सिविल होस्पिटल की मुलाकात करते जहां राष्ट्रपति हस्ते मल्टी स्पेशियलिस्ट होस्पिटल खातमुहूर्त कर। भाजपे आपना जुठाणा अंगे सवाल उठाव्या हता। भाजपना मीडिया कन्वीनर जुबीन आसराए ट्वीट करीने आप पर प्रहार कर्या हता। आपना संयोजक केजरीवाल बंगलो अने गाड़ी लेवानी ना पाड़ता हता, परंतु गाड़ी ने बंगलो फाड़व्यानु लिस्ट साथे ट्वीट कर्यु हतु। अरविंद केजरीवाल गुजरात में रिक्षा में फरवानु नाटक करे छे ते प्रकारनु पण ट्वीट कर्यु हतु। विधानसभा चूंटणी धमधमाट शुरू थई चुक्यो छे त्यारे राजकीय नेताओ पण एक बीजा पर आरोप प्रत्यारोप करी रह्या छे। त्यारे हवे पूर्व केबिनेट मंत्री गणपतसिंह वसावाए दिल्हीना मुख्यमंत्री अने आम आदमी पार्टीना नेता अरविंद केजरीवाल पर आकरा प्रहार कर्या हता। मांगरोडना वांकलमां शाळानुं लोकार्पण करवा पहोंचेला गणपत वसावाए कह्युं के अन्ना हजारे साथे दगो करीने पार्टी बनावनार विधानसभा चूंटणी पछी शोध्या पण मळशे नहीं। आ साथे ज लोकोने छेतरवा निकळेला नेताओने चेतवा माटे जनताने अपील पाटण विधानसभा भाजपा गणगणाता डेर विस्तार में कांग्रेस से गाबड़ू पाड्यु। पाटण विधानसभा टिकट ना दावेदार ठाकोर अग्रणी युवा नेता मंगाजी ठाकोर गाम में मोटी संख्या में भाजपा कार्यकरो कांग्रेस में जोड़ाया था। भाजपा कार्यकरोए कांग्रेस किरीट पटेल हाथ पकड़ो हतो। મહીસાગર વહીવટીતંત્રએ આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખને સમર્થન આપ્યું છે। તંત્રએ ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાને બદલે ગરબાના પાસ પર આપ નેતાનો ફોટો લગાવતા વિવાદ થયો છે। લુણાવાડાના ઇન્દિરા મેદાનમાં તંત્ર દ્વારા આયોજિત ગરબા મહોત્સવમાં આપના જિલ્લા પ્રમુખનો ફોટો એન્ટ્રી પાસ પર લગાવતા વિવાદ ઉભો થયો છે। તંત્ર દ્વારા મેદાનમાં એન્ટ્રી માટે લોકો પાસેથી પૈસા લેવામાં આવતા હોવા भाजप अने કોંગ્રેસે પ્રહાર કરતા સવાલ કર્યા કે પૈસા ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેનો હિસાબ કોણ આપશે। बेट द्वारका खाते चाली रहे मेगा ऑपरेशन मामले 10 जेटला शकमंदों ने पुलिस पूछपरछ माटे डिटेन कर्या हता। बेट द्वारका में गैरकायदेसर दबाण थयेला कॉमर्शियल विस्तार में तंत्र द्वारा बुलडोजर फेरवायो हतो। ओखा नजीक आवेला बंदरो पर दंगा पर डिमोलिशन कार्यवाही कराई हती। आ मेगा ऑपरेशन हजू 2-3 दिवस चाले तेवी शक्यता छे। जिला एसपीए गईकालथी बेट द्वारका में धामा नाख्या छे। गैरकायदेसर दबाण है, मोस्टली आज कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए हमने और शांति व्यवस्था बनी रहे उस हिसाब से हमने यहाँ अपना चाप्ता पुलिस बंदोबस्त रखा है। स्थानीय पुलिस हमने आसपास के जिलों से भी पुलिस बंदोबस्त मंगवाया और SRP की भी कंपनी मंगाई। उसके अलावा हमारा ड्रोन से पेट्रोलिंग भी जारी है, जहां जरूरी लगा वो हमने कायदा व्यवस्था जो है बना रखने के लिए बंदोबस्त रखा। केंद्रीय महिला ने बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अहमदाबाद की मुलाकातें छे। स्मृति ईरानी हेलो कमल शक्ति कार्यक्रम में हाजरी आपी हती। स्मृति ईरानी जिलाओं माथी आवेली महिलाओं साथे सूचन संवाद कार्यक्रम योजो हतो। स्मृति ईरानी कह्युं छे के छठा नौरताना दिवसे हुं माता पासे गुजरात विरोधियों ने दंड मांगू छू। स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल सरकार पर प्रहार कर्या हता। तेओए कह्युं के दिल्ली वाला चूंटणी लड़वा नहीं पण रमवा आव्या छे। सपनाना सौदागर दिल्ली थी आवीने गुजरातनी बहनों ने भ्रमित करे छे। दिल्ली में नवी 850 शराबनी दुकानों खुली छे, ज्यारे भाजपे गुजरात में दूध संजीवनी योजना आपी छे। वडाप्रधाने उज्ज्वला योजना थकी लाखों महिलाओं ने धुमाड़ायुक्त भोजन बनावानी प्रक्रियाथी मुक्त करी छे। गुजरात में 1.18 करोड़ भाजपा प्राथमिक सभ्य है, जयरे पेज कमिटी 84 लाख सभ्य है। वलसाड अटकपाड़ी डेप्यूटी सरपंच भरत भरवाड़ ने मारामारी करवी भारे पड़ी छे। नगरपालिकाना माजी सभ्य विजय शर्मा साथे मारामारी की घटना ने लेने पुलिस डेप्यूटी सरपंच भरत भरवाड़ की धरपकड़ करी छे।
वलसाड़ सिटी पुलिसे गैरकायदेसर जमीन पर कब्जो जमावाना मामले अटक पाड़ी नामना डेप्यूटी सरपंच सहित 18 जेटला समूह विरुद्ध रायटिकनो गुनो नोंधीने तमाम आरोपीने धरपकड़ करी छे, जेने लईने मालधारी समाजमां फफड़ाट फैलाव छे। गीर सोमनाथ जिल्लाना वेरावळमां 5 चरसना पेकेट साथे आरोपी झड़पायो छे। वेरावळना खारवावाड विस्तारमांथी पोलीसे चोक्कस बातमीना आधारे रेड करीने युवकनी अटकायत करी हती। अगाउ पण पोलीसे करोड़ो रूपियाना पाकिस्तानना ट्रेडमार्कवाड़ा चरसना पेकेट दरिया विस्तारमांथी झड़पी पाड्या हता। जो कि फरी जिल्लानी एसओजी टीमे 25 वर्षना युवकने 5 पेकेट चरस साथे झड़पीने जेल हवाले कर्यो हतो। हिम्मतनगरना मार्केट यार्डमां मगफळीना भावने लईने खेडूतोए होबाळो कर्यो हतो। हिम्मतनगर मार्केट यार्डमां हराजीमां 1100 रूपिया भाव पड़ता खेडूतोए होबाळो कर्यो हतो। खेडूतोने 300 रूपिया ओछो मळता रोषे भराया हता। गईकाले हराजीमां मगफळीनो 1600 रूपिया भाव बोलायो हतो। खेडूतो मार्केट यार्डना बे गेट बंद करता पोलीस घटनास्थळे पहोंची हती, जो कि त्यारबाद वेपारीओ अने खेडूतो वच्चे एक बैठक योजाई हती, जेमां समाधान थता फरी हराजी शरू करवामां आवी हती। गई काले मार्केट यार्ड खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार से हिम्मतनगर में 1600 से 1640 जी भाव पड़ा था, पर आज 50 से 100 रुपया ऊँचा बजार भाव घटेली है, एट्ले आज 1550 सुधी ऊंचा भाव पड़ा से और नीचा भाव 1200 सुधी पड़ा से। तो खेडूतों थोड़ा भाव नीचा पड़ता लागता हो खेडूतोए उहा पकड़ो है और मार्केट यार्डन गेट बंद करो तो समाधान कर पुलिस बोलाई समाधान करीने हराजी शांतिथी चालू करवामां आवी छे। अरवली जिल्लामां मगफळीनुं 68 खेडूतોએ ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી હતી। વીસી ઓપરેટરો હડતાળ પર હોવાના કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા। ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા માટે ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું। અરવલ્લી જિલ્લામાં કુલ 54,000 હેક્ટરમાં મગફળીનું વાવેતર થયું હતું। वडोदरा खाते विदेश मंत्री एस जयशंकर अने विविध 60 देशना राजदूतो आवी पहोंच्या हता। हणी विमानी मथके तेमनुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं। विदेशी मंत्रीए पत्रकारों साथेनी वातचीतमां जणाव्युं के वडोदरामां दिवस पसार करवामां आवशे अने विश्व विख्यात वडोदराना गरबानो आनंद लेशुं। राजदूतोने गुजरातमां थयेलो विकास जोवानी भारे उत्सुकता छे। विदेश मंत्री एस जयशंकरे हरणी विमानी मथके पत्रकारों साथेनी वातचीतमां वधुमां जणाव्युं के विविध देशोना राजदूतो साथे वडोदरामां आजनो दिवस रोकाण करवानो छे। आवतीकाले 2 ऑक्टोबरना रोज केवड़िया खाते रात्रि रोकाण करीशुं। विविध देशोमांथी आवेला राजदूतोने गुजरातमां थयेला विकासने जोवा माटे तेओ उत्सुक छे। ते साथे आजे रात्रे तेओनी साथे वडोदराना जाणीता युनाइटेड वेना गरबा निहाळीशुं। आ उपरांत लक्ष्मी विलास पेलेसनी मुलाकात पण लेवानी छे। ये गुजरात जाने का ये बहुत बड़ा अवसर है, तो बहुत खुशी से लोग आए हैं, तो उनका आज पूरा कार्यक्रम एक तो इस शहर में होगा, शाम को वो कल्चरल प्रोग्राम में भी जाएंगे और हाँ और कल जो है वो वहाँ केवड़िया जाएंगे, केवड़िया का पूरा दौरा करेंगे, एक रात रुकेंगे वहाँ। और आप जानते हैं कि उनमें बहुत उत्साह है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में कितनी प्रगति हुई है,